नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों कर्मचारियों की हो गई है बल्ले बल्ले। दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। सरकार ने दी दिवाली से पहले बोनस की सौगात। हर कर्मचारी को मिलेंगे 6774 रुपये। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि हम किन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, किन कर्मचारियों को दिवाली का बोनस का पैसा मिला है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, सरकार ने कर्मचारी को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दे दी है। कर्मचारी को दिवाली से पहले दिवाली के बोनस का तोहफा मिला है, जिसे हर कर्मचारी को 6774 रुपये का फायदा होगा। हर सरकारी कर्मचारी को दिवाली बोनस देने का फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया है। दोस्तों, भजन लाल शर्मा ने राज्य कर्मचारी को दिवाली पर बोनस की मंजूरी कर दी है। राजस्थान सरकार ने 6 लाख कर्मचारियों को लाभ दिया है। राज्य सेवा के अफसर को छोड़कर ग्रेड पर 4,800 अथवा पे लेवल 12 तक के सरकारी कर्मचारी को बोनस के अधीन आएंगे। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारी को भी दिवाली का बोनस दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि हाल ही में राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के कर्मचारी को दिवाली पर बोनस की मंजूरी दी है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम 6774 रुपये का फायदा होगा, जिससे 75% पैसा नगद और 25% कर्मचारियों को सामान्य प्रावधान निधि GPF खाते में जमा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की तरफ से दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बोनस दे दिया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी देने के बाद विभाग से ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कर्मचारी को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है। इस घोषणा से 6 लाख से ज़्यादा कर्मचारी को फायदा होगा। इस बोनस को लेकर राजस्थान राज्य सरकार पर कम से कम 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। 31 दिन के महीने के आधार पर यह बोनस कर्मचारी के खाते में आएगा। दोस्तों, कर्मचारियों को राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर सभी राज्य कर्मचारी जो कि सिविल सेवा नियम 2017 के पे मैट्रिक्स के पे लेवल 12 या ग्रेड पे 4800 या उससे कम में वेतन ले रहे हैं, उनके लिए वर्ष 2023-24 के लिए तो बोनस स्वीकार किया गया है। अनुमोदित पत्रावली के मुताबिक हर सरकारी कर्मचारी को अधिकतम बोनस 7774 रुपये बोनस के रूप में प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, इस साल राजस्थान सरकार ने कम से कम दिवाली से 18 दिन पहले बोनस की घोषणा कर दी है, जिसे कर्मचारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि जैसे ही सरकार की तरफ से बोनस का ऐलान किया गया है, सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर छा गई है, जिससे हर सरकारी कर्मचारी बहुत ही खुश हो रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।